दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो की सूचना मिलती रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मैं YouTube चैनल टेक्निकल सीके में। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ HP की तरफ से आने वाले नोटबुक की, जो जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, जो बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है वही कम प्राइस में। तो मैं आपको सीधा अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, साइड में कुछ इस तरह का है। तो और पीछे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको इसमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है देखने को, और विंडो 10 भी आपको होम वर्जन मिल जाता है। ये इंटेल का i5 8 जनरेशन का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर 15SDUG0096TU। तो ये है इसका मॉडल नंबर दोस्तों, और आपको इसमें लगा हुआ है 8 जनरेशन इंटेल का i5, और इसमें आपको देखने को मिलेगा 256GB का SSD प्लस 1TB हार्ड डिस्क, और आपको इसमें CD ड्राइव देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। और इसमें विंडो 10 प्री इंस्टॉल आता है दोस्तों, जेन्यून वर्जन है। और इसमें 8GB का रैम आपको देखने मिलता है DDR4, और 5.6 इंचेस का फुल HD प्लस LED डिस्प्ले है, और वाईफाई और ब्लूटूथ भी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें फिंगरप्रिंट रीडर देखने को मिलता है, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर कहते हैं हम लोग। तो दोस्तों स्पेसिफिकेशन की तो बात हो गई, अब करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। तो कुछ इस तरह आप इसे ऊपर से अनबॉक्स कर सकते हैं, और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या हमें मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एक कंपार्टमेंट, जिसमें आपको चार्जर और अडैप्टर जो देखने को मिल जाता है। तो ये अडैप्टर का आउटपुट है दोस्तों 65 वोल्ट का, और इसका लेंथ भी अच्छा खासा दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ अडैप्टर का दिखा देता हूँ, इसमें आपको 65 वाट का मिल जाता है अडैप्टर। अब निकालते हैं अपने लैपटॉप को, तो ये देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है दोस्तों, और ये सिल्वर कलर में और भी ज़्यादा निखर के आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन गाइड आपको यहाँ देखने को मिलता है कुछ इस तरह का, तो आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से। और यहाँ आप इस फॉर्म को निकालते हैं दोनों साइड से, और इसके ऊपर जो ये रैपर है इसे भी निकाल देते हैं। तो इस पॉलीथीन को अच्छे से निकाले दोस्तों, बाद में आप इसे इसमें रख भी सकते हैं एज इट इज। तो यहाँ इसे मैंने पॉलीथीन से निकाल दिया है, और आप यहाँ देख रहे हैं बहुत ही ग्लॉसी लुक आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। तो पीछे की तरफ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ आपको हीट एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ विंडो 10 का लोगो भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पोर्ट्स की बात की जाए, तो यहाँ USB 3.1 जनरेशन का, और यहाँ माइक्रो SD का कार्ड देखने को मिलता है ऑप्शन में, और यहाँ लैन कनेक्ट कर सकते हैं आप, ये HDMI और ये टाइप सी पोर्ट, और यहाँ हेडफोन जैक है। तो पोर्ट्स में थोड़ा कमी है दोस्तों, बाकी ये बढ़िया है। और यहाँ अब बात करते हैं, इसे ओपन करते फर्स्ट लुक फर्स्ट बूट इसका करते हैं दोस्तों जल्दी से। तो यहाँ आपको देख सकते हैं ये कीबोर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं बटन बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, बट ये बैकलाइटेड की बटन नहीं है, आपको सिंपल स्टैंडर्ड फुल न्यूमेरिकल की के साथ है। यहाँ आपको देख सकते हैं विंडो 10 विंडो माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ है। और चलिए इसे बूट करते हैं जल्दी से। ऊपर ये HD कैमरा दिया गया है दोस्तों, और यहाँ स्पीकर आपको दो स्पीकर देखने को मिल जाता है। इसे यहाँ से पावर ऑन किया, और यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसका बूट टाइम बहुत ही कम है दोस्तों, विद इन 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स में ये बूट हो जाता है कम्प्लीटली। तो देखिए इतनी देर में ये बूट हो भी गया, तो बहुत ही फास्ट ये काम करता है दोस्तों।
इसमें SSD दिया गया है 256 GB का, प्लस 1 TB दिया गया है। यहाँ इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और ये फर्स्ट बूट है दोस्तों, तो इसे थोड़ा अपडेट ये मांग रहा है दोस्तों, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं अपने वाईफाई कनेक्ट करके। इसमें आपको वाईफाई और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ डिस्प्ले देख सकते हैं फुल HD प्लस कितने निखर के आ रहा है दोस्तों। फुल HD प्लस LED डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, और डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मुझे लगा दोस्तों। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मॉडल, तो यहाँ आप देख सकते हैं मॉडल नंबर, फिर से यहाँ देख सकते हैं i5 8 जनरेशन, और यहाँ आप देख सकते हैं 8 GB रैम इसमें लगा हुआ है दोस्तों, और ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्टिव, ये जेन्यून विंडो 10 आपको इसमें मिलता है प्री इंस्टॉल। तो यहाँ मैंने आपको सारे स्पेसिफिकेशन बता दिए हैं, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो आप यहाँ ऊपर की तरफ देख सकते हैं HP की ब्रांडिंग है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप की प्राइस के बारे में, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे ऑफलाइन मार्केट से लेंगे तो आप इसे सस्ते में मिल जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप इसे ऑफलाइन परचेस करें। और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।